हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द करियर एकेडमी। दोस्तों, आरआरबी जेई की परीक्षा है आपकी, या यूपी ट्रिपल एस सी जेई की परीक्षा हो, या फिर एसएससी जेई की परीक्षा हो, किसी भी प्रकार की जेई की परीक्षा हो या एई की परीक्षा हो, तो आपके लिए ये मॉक टेस्ट 3 है हमारा, जिसमें टॉप 20 क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये टॉप 20 वो क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और विशेषता जो इस टेस्ट सीरीज़ की, वो ये है कि इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रश्न है, तो डिप्लोमा के छात्र परेशान ना हो, उनके लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज आ चुकी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, और इसके माध्यम से अपनी तैयारी शुरू कर दें। तो दोस्तों, स्वागत आपका उदय करियर अकेडमी में, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिस क्योंकि ये चैनल जो है टोटली टेक्निकल चैनल है, जो आपको हर प्रकार की टेक्निकल नॉलेज और अपडेशन देती है। दोस्तों, आज जो हम आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चन लेके आए हैं, ये जो है फ्लूइड मैकेनिक्स का है। आप लोग हिंदी में इसको तरल इंजीनियरिंग बोलते हैं। तो इसमें भी हम टॉपिक वाइज लेके आए हैं, फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ के बारे में पहले पढ़ेंगे, फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ के जो इसमें क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन जैसे आता है, वाटर इज ए, वाटर क्या है, जल क्या है, यह प्रश्न पूछा जाता है अक्सर अक्सर परीक्षाओं में। तो यहाँ पे देखिए, जल जो होता है न्यूटोनियन फ्लूड होता है, न्यूटोनियन फ्लूड, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, शियर थिकनिंग फ्लूड इज आल्सो नोन एज, अपरूपण प्रगाढ़ द्रव को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, शियर थिकनिंग फ्लूड जो होती है उसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको डिलेटेंट के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही हो रहा है। ये दोनों प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे गए और डिप्लोमा लेवल के एग्जाम में पूछे गए। हम यहाँ पे आपको बता देंगे कौन से प्रश्न डिप्लोमा लेवल के हैं और कौन से प्रश्न डिग्री लेवल के हैं। हालांकि डिग्री और डिप्लोमा बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, कभी कभी डिप्लोमा लेवल वाले बहुत सारे क्वेश्चन डिग्री लेवल में पूछे जाते हैं, और कई डिग्री लेवल में पूछे जाने वाले क्वेश्चन डिप्लोमा लेवल में भी पूछे जाते हैं, इसलिए एई और जेई दोनों के लिए ये टेस्ट सीरीज है। अगला है, द रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी टू मास डेंसिटी इज नोन एज, तो इसको किस नाम से जाना जाता है, डायनेमिक विस्कोसिटी और मास का जो रेशियो होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी के नाम से, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, यहाँ पे देखिए फ्लूइड प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन हम चल रहे हैं हमारे यहाँ पे, तो यहाँ पे दी वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ ए फ्लूड इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन दी बल्क मॉडुलस, जो है फ्लूड का अगर हमको की वैल्यू निकालनी है तो ज्ञात करने के लिए क्या किया जाएगा इसमें, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैक नंबर। जब मैक नंबर हमको मालूम रहेगा तभी हम जो है बल्क मॉडुलस फ्लूड का निकाल पाएंगे, ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, यहाँ पे लिखा है कि वन पॉइज इज इक्वल टू पॉइज कितने, इसमें तो सही उत्तर जो आपको दिख रहा है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बी सी डी में देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वन पाउजली इज इक्विवेलेंट टू 10 पॉइज, तो ये ऑप्शन इसका आपका सही हो जाता है। यहाँ पे सिक्स प्रश्न में आते हैं, नेम द स्टेट ऑफ मैटर दैट हैज डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, तो कौन सा मैटर ऐसा होता है जिसका डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सॉलिड। सॉलिड का शेप और वॉल्यूम जो है चेंज नहीं होता है, आपको मालूम होगा प्लाज्मा का चेंज होता है, गैस का भी चेंज होता है, लिक्विड का भी चेंज होता है, ऑप्शन हो गया आपका डी। अगले प्रश्न पे आते हैं, व्हाट इज द मास ऑफ ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सातवें प्रश्न का ऑप्शन ए डेंसिटी। अगला प्रश्न है, पेपर पल्प कैन बी रिगार्डेड एज, पेपर पल्प को किस रूप में मतलब जाना जाता है, यह प्रश्न है इसमें, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। और आगे बढ़ते हैं,
अगला प्रश्न है हमारा, मरकरी डज नॉट वेट द ग्लास, दिस इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड नोन एज। तो मरकरी जब ग्लास पर हम डालते हैं तो उसको भिंगोता नहीं है, ये किस प्रॉपर्टी के कारण होता है ये पूछा जा रहा है इसमें। तो ये होता है सरफेस टेंशन के कारण। हम लोग देखते हैं पत्ते के ऊपर पानी जो है, पानी की बूंद डाल देते हैं तो बूंद जो है लुढ़कती हुई चली जाती है, और लेकिन पत्ते को गीला नहीं करती कहीं पर। तो वही है कांच के ऊपर भी होता है वैसे ही। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस एक्ट्स इन ए मूविंग फ्लूड, मूविंग फ्लूड में कौन कौन से फोर्स लगते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑल ऑफ द ऑप्शंस, इनर्सिया फोर्स भी लगता है और विस्कस फोर्स भी लगता है, दो फोर्स लगते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट ग्राउंड लेवल इज अप्रॉक्सीमेटली, ग्राउंड लेवल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 kgf/cm². अगले प्रश्न पे आते हैं, टर्बाइन्स ड्यू टू मतलब कैविटेशन एक ऐसी घटना है जो टर्बाइन की वजह से होती है। कैविटेशन जो होती है टर्बाइन्स किस तरह की घटना के कारण होती है। तो इसमें जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकल वेपर फॉर्मेशन। कैविटेशन जो होती है टर्बाइन्स में वो लोकल वेपर फॉर्मेशन के कारण होती है। द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज द, काइनेमेटिक विस्कोसिटी फ्लूइड की क्या होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी जो होती है वो काइनेमेटिक विस्कोसिटी के नाम से जानी जाती है, उस रेशियो को बोलते हैं। द डायमेंशन ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ ए फ्लूइड इज, तो यहाँ पे देख लीजिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ML^-1 t^-1। तो ये जो यहाँ पे डायमेंशंस पूछी जाती हैं तो ये इस तरह की, ये जो है इनकी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इस तरह के प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं। अगर आप कोई भी जेई का एग्ज़ाम देंगे तो एक प्रश्न इसमें से संबंधित आता ही आता है। इन ए आइडियल फ्लूड फ्लो द, आगे दिया गया है विस्कोसिटी 0 या प्रेशर इज इक्वल टू एनीवेयर। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका 15वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विस्कोसिटी इज 0। आइडियल फ्लूड में विस्कोसिटी 0 होती है। अगला प्रश्न, इन ए न्यूटोनियन फ्लूड दिस शेयर स्ट्रेस मतलब क्या होता है, न्यूटोनियन फ्लूड में शेयर स्ट्रेस क्या होती है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेस जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है शेयर स्ट्रेस के रेट के। अगले प्रश्न पे आते हैं, ए पाथ लाइन क्या होती है, 17th प्रश्न है इसका, सही उत्तर हो जाएगा इंक्रीज पाथ, लेकिन इंक्रीज पाथ टेकन बाय ए फ्लूइड एलिमेंट। 18वें प्रश्न पे आते हैं, देखिए यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है और इसमें दिया गया द डैश फोर्सेस ऑन फ्लूइड एलिमेंट्स आर कॉज्ड बाय एजेंसीज सच एज ग्रेविटी एंड मैग्नेटिक फ्लूइड। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 18वें प्रश्न का, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, बॉडी। तो ये यहाँ पे बॉडी आ जाएगा, द बॉडी फोर्सेस ऑन फ्लूइड निकाय पोस्ट होता है, बॉडी फोर्स जो होता है उसके बारे में प्रश्न सही है। अगला है, द वेट डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड टू द वेट डेंसिटी ऑफ ए स्टैंडर्ड फ्लूइड, वेट डेंसिटी फ्लूइड का वेट डेंसिटी और स्टैंडर्ड फ्लूइड का वेट डेंसिटी, तो इसका जो रेशियो होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो एक तो मतलब वेट डेंसिटी ऑफ ए फ्लूड टू ए वेट डेंसिटी स्टैंडर्ड फ्लूड की, तो दोनों की वेट डेंसिटी का जो रेशियो होता है उसको मास डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, डैश इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूड, फ्लूड की प्रॉपर्टी इसमें से कौन सी नहीं है।
तो जो सही आंसर है वो है एरिया, क्षेत्रफल जो है फ्लूइड की प्रॉपर्टी नहीं होता है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाता है। तो दोस्तों ये टॉप 20 क्वेश्चंस हो गए, इसके बाद आगे हम और भी इसी तरह के क्वेश्चंस लाएंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार जेई की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो SSC जेई अगर आप देना है या फिर UP SSSC जेई 2018 की एग्जाम देना, तो ये सारे प्रश्न आपके पास रटे हुए होने चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आप जुड़ जाए उदय कैरियर एकेडमी से, और इसकी PDF जो है आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका मिलेगा।